iPhone 16 लॉन्च हो रहा है 9 सितंबर को और साथ ही साथ iPad mini लॉन्च होगा, Apple के earpods और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च होंगी जो इस वीडियो में आपको सारा पता चल जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी एप्पल लॉन्च कर रहा है अपने नए आईफोन्स। 4 आईफोन आने वाले हैं, आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं आईफोन 16 का डेफिनेटली, क्योंकि लीक्स तो आ ही जाते हैं। सो गाइस आईफोन 16 का जो बॉक्स है वो बहुत ही नॉर्मल जैसे होता है, वाइट कलर का वैसा ही होगा। पीछे में आपको लिट मिलेगी, उसको आपको सिर्फ पुल ऑफ करना है एंड देन आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। फ्रंट पे आपको आपका आईफोन 16 मिलेगा। अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिलने वाला है, वो है वायर, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक एप्पल का स्टिकर मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे थोड़े से, और एक सिम इंजेक्टर पिन मिलेगा, और बस चार्जर खुद खरीदो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं आईफोन्स के कलर ऑप्शन से। तो 16 और 16 प्लस में आपको 5 कलर ऑप्शन देखने मिलेंगे, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक। और इस बार ये 5 कलर आपको थोड़े डार्क शेड में मिलने वाले हैं। अगर मैं आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स की बात करूं तो ये दोनों में सिर्फ 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे। डेफिनेटली प्रोज ऑप्शन में आपको थोड़े कलर ऑप्शन कम ही मिलते हैं। iPhone 16 Pro, 16 Pro Max में जो 4 कलर हैं वो हैं ब्लैक, वाइट, ग्रे और एक एप्पल नया कलर ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर रहा है, गोल्ड होगा, बट वो प्योर गोल्ड नहीं होगा, वो ब्रॉन्ज गोल्ड होगा। तो डेफिनेटली जो लोग पुराने iPhones जो गोल्ड गोल्डन कलर के आते थे उनको मिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये वाला जो ब्रॉन्ज गोल्ड कलर है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिखने वाला है। इस बार एप्पल थोड़े डार्क कलर में जा रहा है। पहले तो यार iPhone 13 में डार्क कलर आया था और 13, 14, 15 में बस एप्पल की इंक जो है वो फेड होते गई है और यही हो रहा है बस। सो गाइस नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चेंज एप्पल कर रहा है वो कर रहा है कैमरा प्लेसमेंट में। iPhone 13, 14, 15 में कुछ इस टाइप का आपको कैमरा प्लेसमेंट मिलता था, इस बार आपको वर्टिकल कैमरा प्लेसमेंट मिलने वाला है iPhone 12, पुराने iPhone जो iPhone X आते थे उस टाइप से। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों Apple अपने iPhone 16 में कैमरा प्लेसमेंट को चेंज कर रहा है, और उसका जो रीजन है वो है Apple Vision Pro। Apple Vision Pro जो है वो बेसिकली एक VR हेडसेट है जो आप ऐसे पहन सकते हो अपने आँखों में, और इसमें बेसिकली बहुत ही नेक्स्ट लेवल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वर्चुअल रियलिटी को। नए आईफोन 16 में जो वर्टिकल कैमराज है इसमें आप रिकॉर्ड कर पाओगे स्पेशल वीडियोस को, और इसलिए एप्पल ने कैमरा प्लेसमेंट को चेंज किया है। आईफोन्स में 2 एक्स्ट्रा बटन ऐड हो रहे हैं। पहले क्या होता था, ऐसे अलर्ट स्लाइडर आपको मिलता था ऐसे टाइप का, और अब वो चेंज होके एक्शन बटन में बदल चुका है। एक्शन बटन क्या होता है, एक्शन बटन में आपको कुछ भी डालना है आप डाल सकते हो विदाउट एनी इशू। एक्शन बटन को आप सेट कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे कि अगर आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है, कैमरा ओपन करना है, किसी भी टास्क के लिए आप उसको असाइन कर सकते हो। एंड जो सेकेंड बटन है वो आएगा पावर बटन के जस्ट नीचे में, और ये बेसिकली आपका जूम इन, जूम आउट और क्लिक, फोकस, ये सबका बटन होने वाला है कैमरा के लिए, तो आप प्रोफेशनली शूट कर पाओगे अब वीडियोस को बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से। थर्ड जो इंप्रूवमेंट आईफोन 16 सीरीज में आने वाला है वो है रैम अपग्रेड। आईफोन 14 और आईफोन 15 में आपको 6 GB की रैम मिलती थी, बट इस बार आईफोन 16 में आपको 8 GB की रैम मिलने वाली है। 6 GB से जो 8 GB का रैम अपग्रेड है, 2 GB का जो गैप है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम करने वाला है एक्सपीरियंस पे। एक्स्ट्रा रैम डेफिनेटली परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, तो एप्पल ने ये चीज को ध्यान में रखा है। फिफ्थ जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट एप्पल कर रहा है अपने iPhone 16 सीरीज में, बट वो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि Android फोन्स बहुत 5-10 साल पहले से वो चीज करके बैठे हैं, वो है फास्ट चार्जिंग। iPhone 16 सीरीज में अब आपको एक अपग्रेडेड 40 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग और 20 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग देखने मिलने वाली है। इसके पहले जो iPhone 14 सीरीज और iPhone 15 सीरीज है इसमें 27 वॉट का वायर्ड चार्जिंग था और 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग था, तो डेफिनेटली वायरलेस चार्जिंग में 5 वॉट इंक्रीज है और 27 वॉट से
40 वॉट्स में 13 वॉट का ऑफ कोर्स इंक्रीज है, जो बहुत अच्छा है। सिक्स्थ जो अपग्रेड है वो एप्पल अपने प्रोसेसर में करने वाला है, वो है एप्पल A18 बायोनिक। पिछले साल तक एप्पल ने क्या किया कि आईफोन 15, 15 प्लस में एक अलग प्रोसेसर दिया पिछले साल वाला, और 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स में सबसे नया एप्पल A17 दिया, जो डेफिनेटली किसी को पसंद नहीं आया। बट इस बार क्यों एप्पल ने अपने सारे चारों आईफोन्स में एप्पल का लेटेस्ट A18 बायोनिक प्रोसेसर दे दिया, उसका जो रीजन है वो है एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल भी AI की रेस में घोड़ों की तरह दौड़ने के लिए रेडी हो चुका है, बट वो तो चीता है। अगर मैं बैड जोक, आगे जितने आईफोन्स आने वाले हैं वो सब के सब में अब आपको ChatGPT का फीचर मिलने वाला है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली फ्री वाला नहीं, पेड वाला, सो आप इंटरैक्ट कर सकते हो डेफिनेटली बहुत अच्छे से। सेवेंथ जो फीचर है वो है डिस्प्ले में इंक्रीज हुआ है, मतलब डिस्प्ले बड़ा हो चुका है, बट 16 और 16 प्लस का नहीं हुआ है। जो इंप्रूवमेंट डिस्प्ले में आया है स्क्रीन साइज में, वो आया है 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स में। आईफोन 16 प्रो का जो डिस्प्ले है अब वो 6.1 की जगह 6.3 इंचेस का है, और प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले है वो 6.7 की जगह 6.9 इंच का है। ये जो 0.2 इंच का डिफरेंस है वो डेफिनेटली जब आप हाथ में आईफोन को पकड़ोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से फील होगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो इंप्रूवमेंट है वो है बेजल में। तो ये जो आपको बेजल दिख रहे हैं साइड साइड में, ये और पतले हो चुके हैं, और इस बार का जो आईफोन 16 सीरीज आने वाला है वो दुनिया का सबसे पतले बेजल वाला आईफोन होने वाला है, और आईफोन ही नहीं, ये दुनिया का सबसे पतले बेजल वाला फोन होने वाला है। तो डेफिनेटली इस बार जो आईफोन का डिस्प्ले होगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिखने वाला है। जैसे कि प्रो वर्जन में एक डिस्प्ले का इंक्रीज साइज में आपको देखने मिला, वैसे ही अब आपको प्रो वर्जन में टेलीफोटो लेंस पिछले साल तक 3x का आता था, इस बार एप्पल ने उसको अपग्रेड किया है 5x टेलीफोटो के साथ। तो डेफिनेटली अब आपकी फोटोज और अच्छे आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एप्पल ने आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए अलग से एक सेंसर, मेन सेंसर को अपग्रेड किया है, वो 1 इंच का हो चुका है। अब आपका जो फोटो वीडियो होने वाला है वो काफी नेक्स्ट लेवल आएगा, बट ये सिर्फ आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए है, 16, 16 प्लस या 16 प्रो के लिए भी नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या मैं स्ट्रीम करूं एप्पल का जो 9 तारीख का इवेंट है और आपसे वार्तालाप करूं लाइव, बताना डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में। 9 तारीख को एप्पल और क्या लॉन्च करने वाला है? डेफिनेटली आईफोन 16 सीरीज तो है ही, बट और क्या? एप्पल दो नए स्मार्ट वॉचेस को डेफिनेटली अनवील करने वाला है, आपको लॉन्च आपको दिखेगा, बहुत नेक्स्ट लेवल। पहला होगा वो डेफिनेटली एप्पल वॉच सीरीज 10, एप्पल जनरली एक्स बोलता है, 10 नहीं बोलता है, बोलता 10 है, लिखता एक्स है रोमन नंबर में। सेकेंड जो वॉच है वो है एप्पल वॉच SE, ये डेफिनेटली थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड में है, क्योंकि इस बार जो फ्रेम आएगा इस स्मार्ट वॉच का, मतलब इस नहीं, एप्पल के SE वाले स्मार्ट वॉच का, वो जो फ्रेम होगा वो होगा प्लास्टिक का। तो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो 20,000 से 30,000 के बीच कहीं इंडिया में लॉन्च हो सकता है एप्पल का SE वर्जन। एप्पल दो नए एयरपॉड्स लॉन्च करने वाला है, ये डेफिनेटली एयरपॉड्स नहीं है, ये वाले ईयरफोन का भी वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। डेफिनेटली दो एयरपॉड्स आएंगे, एक थोड़ा सस्ते वाला और एक मिड रेंज वाला। इस इवेंट में हो सकता है कि एप्पल का आईपैड मिनी भी थोड़ा अपग्रेड होके आ जाए, क्योंकि 2020 में लास्ट टाइम एप्पल ने उसको अपग्रेड किया था, तो थोड़ा मोड़ा डेफिनेटली अपग्रेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बहुत लोग के मन में आ रहा होगा क्या आईफोन 16 सीरीज के साथ एप्पल का जो SE, आईफोन SE 4 लॉन्च होने वाला है, वो बहुत ही नए डिजाइन के साथ जो आने वाला है, क्या वो अभी लॉन्च होने वाला है? तो मैं डेफिनेटली बोलने वाला हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट एप्पल एक साथ लॉन्च नहीं करेगा। ये जो सितंबर 9 का इवेंट है ये फोकस हो रहा है आईफोन 16 सीरीज पे ही। क्या आपको नए आईफोन SE के ऊपर वीडियो चाहिए? तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा, क्योंकि आईफोन SE जो आने वाला है अब आगे आएगा, डेफिनेटली अभी तो नहीं आ रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो गाइस, क्या मुझे 9 तारीख को एप्पल इवेंट को लाइव स्ट्रीम करना चाहिए और आप लोगों के साथ बात करना चाहिए, वार्तालाप करेंगे, क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन बताओ। अगर आप बोलोगे डेफिनेटली मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा एप्पल इवेंट को और हम साथ में एप्पल का आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च होते देखेंगे। सो गाइस, क्या मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए आईफोन 13, 14, 15 को कंपेयर करना चाहिए आईफोन 16 के साथ?
ये वीडियो डेफिनेटली बन सकती है, बट ऑफकोर्स 9 तारीख के बाद, क्योंकि सारे स्पेसिफिकेशन पता चल जाएंगे उसके बाद मैं डेफिनेटली ये वीडियो बना सकता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में आपसे, तब तक ले बाय बाय।